बॉलीवुड कॉकटेल। यूं तो सलमान खान के रेस 3 की शूटिंग शुरू हुई थी जनवरी में और ये शूटिंग थाईलैंड के बैंकॉक से शुरू हुई थी, जहां की कुछ फोटोग्राफ्स सलमान ने शेयर भी की थी। और अब इस फिल्म का टीजर भी आज ही आ चुका है। खबर है कि इस फिल्म में सैफ अली खान का रोल शाहरुख को ऑफर था, मगर शाहरुख ने नेगेटिव रोल करने से मना कर दिया और उनके बाद ये रोल मिला भाईजान सलमान खान को। सलमान इस फिल्म में जैकलिन से रोमांस करते नजर आएंगे। ये फिल्म बना रहे हैं डांस एक्सीलेंसी रेमो डिसूजा। रेमो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमान के साथ थोड़ा हटके फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसमें वो सलमान को थोड़ा ज्यादा डांस भी करवाएंगे। तो क्या रेस 3 की इस स्टोरी में सलमान के डांस शॉर्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा होंगे? वैसे तो ये फिल्म मार्च 2018 में ही रिलीज होनी थी, मगर डिलेज के कारण लगता है सलमान ने काफी मेहनत करने का डिसाइड कर लिया है ताकि ये फिल्म जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और अब खबर है कि रेस 3 जून में ईद पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सलमान और जैकलिन के अलावा बॉबी देओल और डेजी शाह भी दिखेंगे। This is all from Miss Cocktail for now. Do not forget to like this video and subscribe the channel to have every sip of Hollywood Cocktail.